Assalamu alaikum dear students, welcome back xpacademy.com jahan par aap step by steps AutoCAD Urdu zuban mein seekh rahe hain. Dear students, aaj ke is lesson ke andar main map 1 jo maine aapko pichle lessons ke andar map 1 diya tha uske upar practical karke dikhaunga, yani ke aapko maps ke upar kaam karne ka method bataunga. To dear students, aaye sabse pehle ek martaba fir apne maps ko dekh le, फिर उसके बाद अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा प्रोजेक्ट जिसके ऊपर हमने काम आज स्टार्ट करना है. अब सबसे पहली जो चीज है, इस मैप का आपके पास होना जरूरी है, वो मैंने आपको पिछले लेसन के अंदर बताया था. जो पिछली वीडियो है इससे इस लेसन से पिछले वाली वीडियोज है उसके ऊपर देखें आप, बिल्कुल डाउनलोड का बटन बना होगा वीडियो के बिल्कुल नीचे, जहां पर लिखा होगा डाउनलोड एक्सरसाइज फाइल. आप वहां पर क्लिक करें, आपके पास की फाइल ओपन हो जाएगी. राइट क्लिक करने के बाद जब ये फाइल ओपन हो जाए उसके ऊपर राइट क्लिक करके आप उसको सेव कर देंगे, फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी. तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसका अपने पास एक प्रिंट निकाल लें, प्रिंट निकालने के बाद इसको अपने हाथ में ले लें और उसके बाद अपना काम स्टार्ट करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने मैप्स को बनाने का तरीकेकार देखना होगा. इसमें अभी हमने क्या करना है, बेसिकली कॉपी करना है. कॉपी से क्या मुराद है, जैसे जैसे मेरे पास यहाँ पर लाइनें हैं वैसे वैसे मैंने ड्रॉ करते जाना है. सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर एक लाइन आ रही है, मुझको ये ड्रॉ करनी होगी, फिर मुझको नीचे की तरफ जाना होगा, फिर मुझको इस तरफ को निकलना होगा. लेकिन एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी हम मैथ्स के ऊपर काम करें, आप एक तरफ से स्टार्ट कीजिएगा. ऐसा ना हो कभी आप इस तरफ से स्टार्ट ले रहे हो, कभी आप इधर ये बना रहे हो, कभी आप ये बना रहे हो, कभी आप ये बना रहे हो. नहीं, आपने ऊपर से नीचे स्टार्ट किया तो पहले ये पोर्शन कंप्लीट कर दें. आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, पहले ये पोर्शन कंप्लीट कर दो. आप राइट से डाउन आ रहे हो तो पहले ये पोर्शन कंप्लीट कर दो. तो जिस तरह से आप निकलना चाहोगे पहले आपको उस पोर्शन को क्लियर करना होगा. अभी हम जो तरीका उठा रहे हैं वो क्या है, हम जस्ट बने बनाए मैप्स को कॉपी करेंगे. ठीक है, हमारे पास एक एरिया है, ये एरिया भी अभी मैंने आपको लेना नहीं बताया, मैं आपको लेस लेसन के अंदर जाकर बताऊंगा इसको कैसे लिया जाता है. तो हमें क्या करना होगा, बस जैसे ये शेप बनी हुई है वैसे वैसे हमने बनाना है. तो आइडिया स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. मैंने ऑलरेडी ऑटोकैड के अंदर इसी फाइल को बनाकर रखा हुआ है. ये मैंने किस लिए रखा, क्योंकि बार बार मैं इधर जाऊंगा फिर इधर आऊंगा तो इस तरह से मेरा बहुत टाइम वेस्ट होगा और मैं ठीक तरह से उसे देख भी नहीं पाऊंगा. तो इसलिए मैंने कहा आपके पास इस चीज़ का प्रिंट होना ज़रूरी है. आप इसको अपने पास प्रिंट निकाल के अपने हाथ में ले लें और देख कर इसको बनाना स्टार्ट कर दें. तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करता हूँ अपना लेसन. हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है, जो मेन काम है, जो मेन इस वीडियो इस सीडी का मकसद है, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो मैप्स, सबसे पहले देखें डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पर एक मैं इसको स्टार्ट जो करूँगा वो मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ यहाँ से. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपने पास यहाँ से एक ये लाइन लगा देता हूँ. अब देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो मेरे पास वैल्यू अवेलेबल है, कितनी है, 59 फिट्स एंड 9 इंच है. फर्स्ट करें, अगर मेरे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू नहीं है और ये वैल्यू भी नहीं है तो अब मैं क्या करूंगा. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फिर अपने पास एक लाइन लगा दोगे. मैं इस डियर स्टूडेंट्स को स्टार्ट करता हूं. सबसे पहले मैं इसको यहां से स्टार्ट करूंगा इस तरह से. तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आके मैं एक लाइन लगा देता हूं F8 करके. मैं यहां पर डियर स्टूडेंट्स, मुझे मालूम नहीं है कितना आगे जाना है, तो मैं 70 फिट्स की एक लाइन लगा लेता हूँ. फिर नीचे की तरफ भी मैं अपने पास सेम 70 फिट्स की एक लाइन लगा लेता हूँ. तो मेरे पास एक 70 फिट्स की लाइन ड्रा हो चुकी है. अब आप इसको कंट्रोल एस करेंगे, साथ साथ आप इसको सेव भी रखेंगे अपने प्रोजेक्ट को. देन मैं इसके अंदर ये वाला रूम बनाने जा रहा हूँ. अब ये वाली जो आपके पास लाइन लग गई है, ये तो आपने एक एरिया ले रही है अपने पास. अब इसके पास सबसे पहला काम जो आपने करना है वो आपने इसको ऑफसेट्स दे देना है. ऑफसेट्स आपको याद है ना अच्छी तरह से, आप ऑफसेट्स के ऊपर क्लिक कर देते हो आपके पास ऑफसेट निकल कर आ जाता है. लेकिन ओ प्रेस करते हैं आप, ओ प्रेस कर देंगे ऑफसेट्स. अब कितना ऑफसेट्स देना है, यहां से यहां तक का आपने ऑफसेट देना है. यानी कि आपने क्या करनी है, यहाँ पे दीवार शो करानी है, वॉल शो करानी है. तो एक आपके पास जो दीवार होती है, मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट जो आपके पास दीवार चलती है वो आपके पास डबल ब्रिक्स की, डबल ईंट की दीवार चलती है. उसका साइज कितना होता है आपके पास, 9 इंच हो जाता है. तो आप ऑफसेट दे दोगे कितना, 9 इंच का. अपने कीबोर्ड से आपने 9 इंच एंटर किया. अब कहता है सेलेक्ट अलाइन ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें. लेकिन याद रखिएगा, अगर आप इस तरफ को जा रहे हैं फिर आपको इस तरफ को ऑफसेट फेंकना होगा. ऊपर से इसको नीचे फेंकते हैं, तो मैंने ये इसको ऑफसेट फेंक दिया और साथ में कंट्रोल एस कर दिया. क्लियर हुआ क्या, आपने इसको ये 9 का ऑफसेट ड्रॉ कर दिया. देन मैंने क्या करना है, 13 फिट्स और 15 फिट्स का ये मैंने बॉक्स बना देना है, 13-15 का.
बॉक्स से क्या बना था कि आपके पास एक रूम आ रहा है जिसमें आपके पास दो वैल्यू, एक वैल्यू 13 है, दूसरी वैल्यू 15 है। अब डियर स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर ये दो वैल्यूज बता रहा है। याद रखिएगा पहली वैल्यू मैंने आपको बोली थी हमेशा किस चीज की होती है, एक्स की। तो एक्स मूव करता है आपके पास हमेशा लेफ्ट से राइट। दूसरी वैल्यू आपके पास होती है वाई की, वाई हमेशा मूव करता है अप से डाउन, यानी कि आपके पास लेफ्ट जो है वो दाएं से बाएं, और वाई जो आपके पास है ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है। तो पहली वैल्यू हमेशा होती है एक्स की, दूसरी वैल्यू हमेशा होती है वाई की। जैसे यहां पे मेरे पास जो 13 फिट्स है ये मेरे पास एक्स की वैल्यू है, तो अगर आप इधर अपने यूसीएस आइकन को देखें तो ये भी आपको एक्स की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आपके पास ये जो इस तरफ को लाइन आ रही है आपके पास एक्स के ऊपर आ रही है, और जो आपके पास ऊपर की तरफ लाइन जा रही है वो आपके पास वाई के ऊपर आ रही है। तो पहली वैल्यू एक्स की है, दूसरी वाई की है। तो एक्स आपके पास लेफ्ट टू राइट, वाई आपके पास ऊपर से नीचे मूव करेगा। ये आपको याद रखना है पूरे मैप्स, जब भी कभी भी आप मैप्स बनाएंगे ये आपको चीज याद होनी चाहिए। अब सबसे पहले मैं ये रूम बना लेता हूँ 13 फिट्स और 15 फिट्स का। तो डियर स्टूडेंट्स मैं इधर आ चुका हूँ, मेरे पास ये एरिया बन चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर मैं ऑफसेट देता हूँ, अगेन मैं एक और ऑफसेट डिफाइन कर दूंगा, ओ एंटर करने से ऑफसेट आएगा और इसको मैं 13 फिट सेंटर कर देता हूँ। तो 13 फिट सेंटर करने के बाद डियर स्टूडेंट्स अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे एक्स की लाइन चाहिए थी, मैं इधर आ जाऊंगा, उठाकर इस लाइन को आगे जाने फेंक दूंगा। अब ये जो आपने इसको इस लाइन से उठाया, क्यों उठाया है, क्योंकि मेरे पास ये जो 13 की वैल्यू है ना वो मैं अगर आपको यहाँ पर भी बताता चलूँ, आप डायमेंशन उठा लें, आपके पास इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो वैल्यू आ रही है वो 13 फिट्स की आ रही है, यानी कि दीवार को छोड़ के अंदर से अंदर वाली दीवार तक जो गैप है वो 13 फिट्स का है। तो इसलिए ये मैंने इसको 13 फिट्स की इधर वैल्यू दे दी है। इसके फौरन बाद आप ऑफसेट दे देंगे, कितना देंगे 9 इंच का दे देंगे। उठाएं लाइन को, अगेन इसको आगे जानब क्लिक कर दें, तो आपने अगेन इसको एक ऑफसेट दे दिया 9 इंच का। तो अब 9 इंच का ऑफसेट से क्या मुराद है, आपने एक और यहाँ पर दीवार बना डाली है। देन मेरे पास एक और ऑफसेट आ चुका है 15 फिट्स का। अब ये क्या चीज़ है, मेरे पास वाई की वैल्यू है। अब ये कहाँ से है, इस लाइन से लेकर इस पहली वाली लाइन तक है, यानी कि अंदर से अंदर आपने वैल्यू देनी है। अब अगेन आप ऑफसेट दे देंगे, मैंने इसको फिर 15 फिट सेंटर किया, ऊपर से मैंने लाइन सेलेक्ट की है, नीचे में क्लिक कर देता हूँ, तो मैंने इसको ऊपर से नीचे फेंक दिया। अगेन आप ऑफसेट दे देते हो उसे, मैंने आप फिर 9 का ऑफसेट दे दिया, उठाकर ऊपर से नीचे फेंक दिया, कंट्रोल एस कर दें, तो आपके पास क्या हुआ, ये आपका रूम रेडी हो चुका है। अब डियर स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट जो चीज बनाने जा रहा हूँ वो मेरे पास ये वैल्यू है, एक बाथरूम आ चुका है मेरे पास, जिसकी मेरे पास एक्स की वैल्यू आ रही है 8 फिट्स, वाई की वैल्यू आ रही है 6 फिट्स। तो अब मैं ये कैसे ड्रॉ करूंगा, मेरे पास ये एरिया है, मैं ऑफसेट्स के अंदर गया, सबसे पहले मैं इसको एक्स की वैल्यू ड्रॉ दे देता हूँ, मैंने इसको 8 फिट्स दे देना है एक, और देन मैं इसको अगेन 9 का ऑफसेट दे देता हूँ, इस तरफ को कंट्रोल एस कर दिया। फिर मेरे पास जो दूसरी वैल्यू आ जाती है इसकी, वो मेरे पास एक्स की है, मैंने वापस इसको उठाया, सॉरी वाई की है, और वो है मेरे पास 6 फिट्स, उठाकर ऊपर से नीचे में ले आया हूँ इसे, अगेन मैं इसे 9 का ऑफसेट दे देता हूँ, उठाकर मैं इसको भी नीचे ले आया हूँ। डियर स्टूडेंट्स देखिए मेरे पास ये रूम बन गया, लेकिन बाथरूम तो बन गया आपके पास, लेकिन देखिए बीच में यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइनें नहीं है, लेकिन आपके पास ये एक्स्ट्रा लाइंस हैं, तो आपको क्या करना होगा, TR से क्या है आपके पास ट्रिम, आप TR एंटर करें कीबोर्ड से। अब आप इसको देखें TR डबल एंटर कर दें, अब जस्ट आप इन लाइनों को क्लिक करें तो ये लाइन आपके पास डिलीट हो जाएंगी, एक्स्ट्रा लाइन आप डिलीट कर दें, कंट्रोल एस कर देता हूँ। नेक्स्ट वापस इधर आ जाए, आपके पास एक और रूम बनने जा रहा है जिसकी एक्स की वैल्यू आपके पास है 13 फिट्स, वाई की वैल्यू है आपके पास 17 फिट्स। तो डियर स्टूडेंट्स अगेन आप इधर आ जाए, ऑफसेट दे दें 13 फिट्स। अब मैं यहाँ पे 13 फिट्स का ऑफसेट दे देना चाह रहा हूँ, लेकिन लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यहाँ पे अगर आप देखें आपके पास पीछे वाली वैल्यू क्या थी, ऊपर जो आपने रूम बनाया था वो भी आपके पास 13 का ही था ना, नीचे अगेन आपके पास 13 फिट्स आ गया है, मीन्स आपके पास ये ऑलरेडी 13 की यहां से यहां तक लाइन ड्रॉ हुई हुई है, यानी कि आपके पास 13 के इधर से इधर इधर रूम बना हुआ है। तो आपने क्या करना है, 17 फिट्स का ऑफसेट इसे दे देना है, ऊपर से नीचे जो आपके पास वैल्यू आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स अगेन में गया, क्योंकि जो चीज आपके पास एक ऑलरेडी ड्रॉ है उसको ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, 17 फिट्स, और फौरन आपने उसी वक्त आपने 9 इंच का ऑफसेट ड्रॉ कर देना है। अब आप इसे ट्रिम कर देंगे अपने कीबोर्ड से, कंट्रोल एस कर दें, मैंने ट्रिम करने के बाद कंट्रोल एस कर दिया, मेरे पास क्या हुआ 1 2 3, तो मेरे पास ये वाला एरिया बनकर आ चुका है। देन मैं आगे चलता हूँ, अब मैं ये वाला एरिया बनाना चाहूंगा, मेरे पास पहली वैल्यू आ रही है एक्स की 15 फिट्स है और वाई की 13 फिट्स है। तो डियर स्टूडेंट्स इधर आ जाएं आप,
ऑफसेट उठा लेंगे, आप 15 फिट्स एक्स की वैल्यू है उठाकर आगे फेंके, और फौरन 15 फिट्स देने के बाद आपने 9 इंच का ऑफसेट दे देना है। फिर आप उसे ऑफसेट देंगे ऊपर से नीचे, 13 फिट्स का देंगे, ऊपर से उठाकर नीचे की तरफ फेंके, और फौरन आपने इसको अगेन 9 का ऑफसेट दे देना है। जैसे आपने इसको 9 का ऑफसेट दे दिया, आपके पास ये शेप बनी हुई इधर आ चुकी है। देखिए अब आप इसे ट्रिम कर देंगे, ये आपके पास ट्रिम हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा लाइनें आपको उसी वक्त ट्रिम कर देनी है अपने पास, कंट्रोल एस कर दें, तो मैंने इसको ट्रिम कर दिया। वापस इसी तरह से नीचे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ निकलते हैं, आपके पास एक और इधर बाथरूम बना हुआ आ रहा है। अब बाथरूम क्या आपके पास 6 और 8 का है, तो यहां पर आ जाते हैं। ऑफसेट दूंगा सबसे पहले मैं इसको 6 फिट्स का दिया स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपके पास एक्स की वैल्यू है, और इसके बाद फॉरन आपके पास 9 का ऑफसेट था, वो तो मैंने दे दिया। इस तरह से ऑफसेट देता हूँ ऊपर से नीचे 8 इंच का, 8 फिट्स का सॉरी, और फॉरन 9 का ऑफसेट है। देख लेते हैं क्या 9 का ही ऑफसेट है मेरे पास, बिल्कुल, क्योंकि ये एरिया मैंने देखना था। तो यहां पर आ जाएंगे आप, कंट्रोल एस कर दे से, और ट्रिम के अंदर निकल जाए, TR एंटर करने से आपके पास ट्रिम एक्टिव हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो लाइन है वो आप साथ साथ खत्म कर देंगे, क्योंकि जब तक आप एक्स्ट्रा लाइन खत्म नहीं करेंगे तो ड्यू स्टूडेंट्स आपका काम ठीक तरह से हो नहीं पाएगा। तो मैंने ये लाइन एक्स्ट्रा खत्म कर दी अपने पास। अब ये लाइन मैंने इसलिए खत्म नहीं की क्योंकि आगे फिर मेरे पास सेम टू सेम कुछ ऐसा ही रूम आ रहा है, फिर मेरे पास 6 और 8 आ रहा है। तो यहां पर मैं आ जाऊंगा, मैं इसे ऑफसेट दे देता हूँ अगेन 6 फिट्स का आगे की जानब, और 9 इंच का ऑफसेट है, और ऊपर से ऑलरेडी देख लें आप, आपके पास 8 अवेलेबल है, तो मुझको लगाने की आप कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपके पास एक चीज बनी हुई है तो फिर आपको क्या जरूरत है उसको बार बार ड्रॉ करने की। आगे चले जाएं, फिर आपके पास 6 फिट और 6 फिट एंड 3 इंच आ रहा है। अब इधर आ जाएं, एक और मैंने इधर रूम बनाना है ऑफसेट्स, लेकिन यहां से मैं इसको ट्रिम कर दूंगा क्योंकि ये चीजें मुझे ट्रिम कर देनी है यहां से। तो मैंने इसको ट्रिम कर दिया इधर से। अब मेरे पास ये जो एरिया आ रहा है, मेरे पास 6 फिट एंड 6 फिट 3 इंच का आ रहा है, तो इधर आ जाएंगे, ऑफसेट देंगे सबसे पहले से कितना 6 फिट्स का दे देते हैं आप, उठाकर आगे की तरफ फेंकते हैं, और आपके पास 9 का ऑफसेट आ जाएगा ये। ठीक है, आई थिंक कि मैं थोड़ी सी वैल्यू मुझे यहां पर डाउट नजर आ रही है, मैं चेक कर लूंगा इसे, सॉरी, तो ये मैंने गलत टाइप की हुई है यहां पे। बेसिकली आपके पास 6 फिट और 3 इंच, और देन आपके पास ये आपके पास 6 फिट आ जाएगा। तो मैं इसे वापस में इधर गया, मैं इसे ऑफसेट देता हूँ 6 फिट और 3 इंच, उठाकर मैंने आगे जाना फेंक दिया, और फिर मैंने इसको 9 का ऑफसेट दे दिया ऊपर से नीचे, तो अब मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब ऊपर से नीचे ये कितना आएगा, ये आपके पास 8 फिट्स ही होगा, तो ये आपके पास बना हुआ आ चुका है बिल्कुल। ठीक है, अब आप इसको ट्रिम कर देंगे, जैसे मैंने इसको ट्रिम कर दिया है, कंट्रोल एस कर दें। अब डियर स्टूडेंट्स मैंने क्या करना है, मेरे पास एक रूम बनने जा रहा है जिसकी मेरे पास वैल्यू है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 13 फिट्स की वैल्यू है। अब मैंने ये वैल्यू ड्रॉ करनी है, कैसे ड्रॉ करूंगा, मैं ऑफसेट के अंदर चला गया, मैंने इसको 13 फिट्स की वैल्यू दे दी है, यहां से आगे की जानब आपसे दे दें। तो देखिए जैसे मैंने इसको यहां से आगे की जानब फेंका, ये इस लाइन के साथ आकर अटैच हो चुका है, और डेफिनेटली जब मैं इसको 9 दूंगा तो ये आगे की तरफ निकल कर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे जो मुझे चाहिए था कितना चाहिए था, 15 फिट्स, ऊपर से नीचे तक जो मुझे वैल्यू चाहिए वो कितनी है, 15 फिट्स है। सबसे पहले मैं इसे ठीक कर देता हूँ यहाँ पे, अच्छा ऊपर से नीचे जो मुझे वैल्यू चाहिए वो कितनी चाहिए, मुझे 15 फिट्स की चाहिए, और मैं यहां पर गया ऑफसेट्स, मैंने इसको लिया 15 फिट्स का, उठाकर नीचे मैंने फेंक दिया, और फिर आप इसको ऑफसेट दे देंगे कितना 9 इंच का, आप इसको उठाकर नीचे की तरफ फेंक दें। अब कंट्रोल एस करें, एक्सटेंड की ऑप्शन चूज करें, क्यों, अभी लाइनें मुझे इसके साथ मिलानी है। एक्सटेंड के लिए आपको क्लिक कर देना होता है इधर, लेकिन ई एक्स एंटर करने के बाद आप डबल एंटर करें, और ये देखें आपके पास ये एक्सटेंड हो रहा है, अप्लाई हो रहा है एक्सटेंड। फिर एक्स्ट्रा जो लाइनें आ रही हैं वो आप खत्म कर दें, यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा लाइनें खत्म हो चुकी हैं। देन आपके पास फिर एक और किचन बना हुआ आ रहा है 13 फिट्स और 10 फिट्स का आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऑफसेट दे दें, इस मरतबा में 10 फिट सबसे पहले देना चाहूंगा वाई की वैल्यू, और फिर मैं इसको 9 का ऑफसेट देना चाहूंगा, और मैं इसको एक्सटेंड करना चाहूंगा, क्यों, मेरे पास ऑलरेडी यहां पे जो वैल्यू आ रही है वो ऊपर की आ रही है। देखिए आप एक पॉइंट दे दें और ये दूसरा पॉइंट दे दें, तो आपके पास ये वैल्यू आपकी परफेक्ट निकल कर आ चुकी है, करेक्ट, कंट्रोल एस कर दें। अब
मैंने ये रूम बनाना है जिसकी मेरे पास वैल्यू आ रही है 21 फिट्स एंड 9 इंच। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या मेरी ये वैल्यू यहां से 21 एंड 9 की है। मींस अगर है तो आपका काम बिल्कुल यहां तक परफेक्ट हो रहा है। फिर इसे ऑफसेट देंगे ऊपर से नीचे जो उसकी रिक्वायरमेंट है, आप इसको दे देंगे। मैंने इसको दे दिया 15 फिट्स और फौरन 9 का ऑफसेट में इसको दे देता हूं। अब आप कंट्रोल एस कर देंगे तो आपके पास ये शेप बनी हुई आ गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको जो लास्ट चीज इसमें बनानी है वो आपको वरांडा बनाना है। अब यहाँ पर 8 फिट्स है, तो ये 8 फिट्स क्या चीज है बेसिकली? ये आपके पास 8 फिट्स का ऑफसेट होती है और ये हमेशा आपके पास वाइड आगे की तरफ निकलता है। और अब आप इसको अगेन यहां से एक्सटेंड लगा देंगे आखिरी लाइन के थ्रू। मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया इस लाइन के साथ और ये मेरे पास ट्रिम बना हुआ आ चुका है। अब मेरे पास ये आ गया। तो वन एंड लास्ट चीज क्या है, मेरे पास 14 फिट और 6 इंच की वैल्यू है और फिर मेरे पास 14 फिट्स की वैल्यू है। अब सबसे पहले मैं इधर आ गया हूँ, ऑफसेट देता हूँ ऊपर से नीचे। मैं इसको 14 फिट्स की वैल्यू देता हूँ यहाँ पे, मैंने इसको दे दिया और मैं इसको इसके साथ एक्सटेंड कर देता हूँ और इसको मैं इसके साथ एक्सटेंड करा देता हूँ। अच्छा देखिए, एक और तरीका भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं फिलेट का। आप फिलेट लगा दो, अगर आपके पास रेडियस यहाँ पर 0 0 है और मोड आपके पास ट्रिम है तो 1 क्लिक सेकेंड क्लिक, फिर देखिए 1 क्लिक और सी सेकेंड क्लिक। कंट्रोल एस कर दें। अब वैल्यू मेंशन कर लें इसकी, क्या ये आपके पास ये वैल्यू बन रही है 14 फिट्स और 6 इंच की, बिल्कुल परफेक्ट आ चुकी है। तो यहां तक डियर स्टूडेंट्स हमारा काम बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब यहां तक था हमारा स्टेप 1। अब हमारा स्टेप 2 स्टार्ट होता है जिसमें हमने क्या करना है, अपनी विंडोज निकालनी है, डोर निकालनी है और बीच में एक्स्ट्रा लाइन जो है वो मैंने जो ड्रॉ की थी वो खत्म कर देनी है। एक्स्ट्रा लाइन से क्या मुराद है, अगर आप देखें यहाँ पर बीच में कुछ लाइनें मेरे पास रह चुकी हैं, यहाँ पे बीच में मेरे पास कुछ लाइनें रह चुकी हैं, इधर बीच में मेरे पास कुछ लाइनें हैं, यहाँ पे बीच में मेरे पास कुछ लाइनें हैं। अब ये लाइनें मैंने खत्म करनी है सबसे पहले, तो मैं अपने पास कंट्रोल एस कर दूंगा और ट्रिम TR एंटर कर दें अपने कीबोर्ड से, डबल एंटर तो डबल क्लिक कर दें। अब ट्रिम का आपको यूज आना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, इधर आ जाए। अब देखिए ये चीजें ट्रिम नहीं हो पा रही, तो अगर आपको ट्रिम का सही आइडिया है जो मैंने आपको लेसन्स के अंदर बताया है, तो मैंने आपको ये बताया था अगर आपकी लाइन यहां से इसको क्रॉस करेगी तो फिर ये ट्रिम हो पाएगा। जब लाइन क्रॉस नहीं कर रही है तो ट्रिम नहीं हो रहा। यहां पर भी देखें लाइन का क्रॉस नहीं बन रहा तो ट्रिम नहीं होगा, लेकिन यहां पर बन रहा है तो ट्रिम होगा आपके पास। तो ये चीजें अगर आपको याद है पुरानी वाली तो मेरे ख्याल में अब आपके पास कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको देखते हुए हर एक चीज को आप ट्रिम करें, मैं आपको देखते हुए ना भी हो तो ये समझ लें जितने दो लाइनें आपस में ज्वाइन हो रही हैं उनको आपस में आपने ट्रिम कर देना है यहाँ पे। और इस चीज के लिए आपके पास मैप्स कलेक्शन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपके पास हर मैप्स के ऊपर काम करके आपको नहीं दिखा सकता। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, xpacademy.com ने आपके लिए एक CD रेडी की है, एक CD तैयार की है जिसके अंदर आपके पास 200 से ज़ायद प्रोजेक्ट मौजूद हैं, 200 से ज़ायद मैप्स मौजूद हैं जिनको मुकम्मल मैंने सेक्शन, एलिवेशन, हर किस्म की चीज़ उसमें मैंने डाल दी है। अब उस CD के लिए जस्ट आपने हमें एक कॉल करनी है। कॉल करने के लिए हमारा नंबर बिल्कुल आपको मालूम है, 03-43-90-17779 पे। या आप हमें ईमेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com। तो डी स्टूडेंट्स, ये तमाम चीजें आप ट्रिम कर देंगे यहां से। अगेन मैं ये ट्रिम कर देता हूं यहां पे। बेसिकली मैंने थोड़ा सा गलत ट्रिम किया लेकिन वो मैं अभी आपके सामने ठीक करूंगा। वापस में इधर आ जाता हूं, ये मैंने ट्रिम कर दिया। देखिए ये चीजें ट्रिम नहीं हो पाएंगी, तो ये रहा मेरा मुकम्मल ट्रिम। कंट्रोल एस कर दें। अब जो चीजें आपसे ट्रिम नहीं हो पाई थी आप इसको सेलेक्ट करें और डिलीट, याद रखिएगा लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो इधर से आ जाए, राइट, सॉरी, जब आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो आपके पास देखिए ये ऐसा तो आप चीजें ट्रिम हो जाएंगे। तो आपको ये चीजें सेलेक्ट की, ये चीजें सेलेक्ट करके ट्रिम करनी है, ठीक है। ये तमाम चीजें आपने इस तरह से कर देनी है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास एक अलमारी आ रही है, ये अलमारी मैंने बनानी है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले मेरे पास ऊपर की तरफ एक लाइन जाएगी। तो देखें मेरे पास वो एरिया बेसिकली ये था, तो ये लाइन मैंने बीच में एक्स्ट्रा की है, इसको आप एक्सटेंड कर देंगे।
एक्सटेंड एक्सटेंड कर दी, ये आपके पास आ चुकी है। अब ये जो मार्क है मैंने आपको बता दिया था कि आपके पास कवर्ड का मार्क होता है। अब कवर्ड के मार्क के लिए आपको करना क्या होता है, ये आपने ड्रॉ कर दिया। अब आपके पास यहां से यहां तक का फासला जो होता है ये आपके पास मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास 2 फिट या 18 इंच का होता है, यानी कि 1 फिट एंड 6 इंच। अब ये 1 फिट 1 फिट एंड 6 इंच आप कैसे ड्रॉ करोगे, आप अपने पास यहाँ पर एक लाइन उठा ले, एल एंटर करने से आपके पास लाइन आ जाती है, एक लाइन इधर है दूसरी ऊपर, ऑफसेट दे देंगे 1 फिट एंड 6 इंच, उठाकर आगे की जानब फेंकने से, और ये देखिए ये क्रॉस कर देते हैं, तो ये आपके पास रेडी। फिर से ऑफसेट देंगे। अब इसके बीच में देखें आप, आपके पास वॉल है लेकिन इस वॉल का डिस्टेंस और इस वॉल का डिस्टेंस देखने में फर्क नजर आ रहा है, तो ये जो वॉल है बेसिकली आपके पास 9 इंच की है, और मैंने आपको ओवरव्यू वाले मैप्स के अंदर मैंने आपको बता दिया था लेक्चर के अंदर कि यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की वॉल्स होती हैं। अब यहाँ पे मेरे पास जो यूज़ हो रही है वो मेरे पास 4 फिट और 6 इंच की हो रही है, तो वापस मैं इधर आ जाता हूँ, सॉरी 4.6 इंच की आपके पास आ गई, तो ये मैंने 4.6 इंच दे दिया, और इसको भी मैं ट्रिम कर देता हूँ, अगेन मैं ऑफसेट देता हूँ 1 फिट एंड 6 इंच, और ये कंट्रोल एस कर दे डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए मेरे पास ये मेरा यहाँ तक मैप बनाओ आ चुका है। अब डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने डोर्स निकालना। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा डोर निकालना। डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए, यहाँ पे आपके पास एक डोर निकल रहा है, उससे पहले आपके पास ये कुछ एरिया हमने छोड़ा हुआ है। अब ये बेसिकली क्यों छोड़ा हुआ है, इसलिए छोड़ा हुआ है, देखें जब आपके पास आप कोई डोर बनाओगे तो डोर के साथ आपके पास डोर की फ्रेम होगी जिसको हम लोग चुकाट कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। अब ये जो आपके पास फ्रेम होगी इसको आपको इधर लगाना है। अब जहरी से बात उसको एडजस्टमेंट करने के लिए, या जब आप अपने डोर को आप पीछे की तरफ लेकर जाते हो उसका हैंडल जाकर सीधा आपके पास वॉल के साथ लगेगा तो वो ख़राब हो जाएगा उस तरह से, तो बीच में छोटा सा एक गैप लाया जाता है। अब ये जो गैप होता है आपके पास 9 इंच का भी हो सकता है, 1 फिट का भी हो सकता है, 1 फिट 6 इंच का भी हो सकता है, 4.6 इंच का भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बनाएंगे फिर आगे तरफ निकलते हैं। अब ये कैसे बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं अपने पास, इसे ऑफसेट देता हूँ कितना 9 सिंपल एंटर कर देता हूँ, यानी कि 9 इंच का ऑफसेट है। मैंने लाइन उठाई, उठाकर मैं इसको आगे जाना फेंक देता हूँ, कंट्रोल एस किया, मैंने इसको सिलेक्ट करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अगेन मैं इसको एक ऑफसेट दे दूंगा। अब मैं जो ऑफसेट देने जा रहा हूँ वो अपने डोर का देने जा रहा हूँ। तो मैंने आपको डोर बताए थे मेरे पास, जो डोर होते हैं 2.5 फिट से लेकर 4 फिट तक नॉर्मली चलते हैं, तो ज्यादातर जो डोर चलते हैं मैंने आपको बोला था वो मेरे पास 3 फिट और 6 इंच के होते हैं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 3 फिट और 6 इंच का जो आपके पास रूम के डोर आते हैं, तो मैंने ये एक 3 फुट 6 इंच का ऑफसेट दिया और इसको मैंने ट्रिम कर डाला। अगेन अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर एक विंडो ड्रॉ करनी है, जैसे ये मेरे पास ये विंडो ड्रॉ हुई है। अब मेरे पास ये एरिया है जिसके अंदर मैंने विंडो ड्रॉ करनी है, मेरे पास एक लाइन नीचे की जानब है, एक लाइन ऊपर की जानब है। अब विंडो में कैसे ड्रॉ करूँगा, मैं एक लाइन लूंगा, याद रखिएगा जब भी आप काम करेंगे ऑटोकैड के पर आपको विंडो ड्रॉ करनी है तो अंदर से ड्रॉ करें। अंदर से क्या मराद है, क्यों, मेरे पास 2 पॉइंट, एक पॉइंट अंदर की जानब है और एक पॉइंट मेरे पास बाहर की जानब है, दोनों को मैं सेंटर पॉइंट देता हूँ। अंदर का बाहर का सेंटर ये रहा आपके सामने, अंदर का सेंटर ये रहा, क्यों, बीच में ये 9 इंच का गैप आ जाता है, इस वजह से अंदर का ऑफसेट, अंदर वाली लाइन का सेंटर आप इस लाइन से पहले आता है। तो आपने क्या करना है, अपना लाइन ऊपर से नीचे लगा दें, यानी कि ऊपर वाले सेंटर से नीचे की जानब लगा दें। अब इसके बाद आपने ये डिसाइड करना है आप विंडो यहाँ पर कौन सी वाली छोड़ोगे। मैंने आपको मुख्तलिफ साइजेस बताए थे, मैंने आपको बोला था आप 4 फिट से लेकर 8 फिट तक, अगर आपके पास एरिया बड़ा है तो आप इससे बड़ी विंडो भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बोला था हमारे पास कुछ डिफॉल्ट साइजेस होते हैं जिसमें मेरे पास 5 फिट 6 फिट 7 फिट 8 फिट तक हम लोग चलते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे 6 फिट का ऑफसेट देना चाहूँगा, यानी कि मैं इसको 6 फिट की विंडो बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं ऑफसेट देता हूँ 3 फिट का लेफ्ट एंड राइट। अब आप समझ गए होंगे मैंने इसको लेफ्ट क्यों दिया था, राइट क्यों दिया था और सेंटर क्यों लिया था, क्योंकि उसको मैं मिडिल पे लगाना चाह रहा था, 6 फिट की 6 फिट की विंडो ड्रॉ करना चाह रहा था, तो मैंने इसको डिवाइड किया 3 एंड 3, तो मेरे पास इसकी मिडिल पे आ चुकी है। अब विंडो का मैंने मार्क शो करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक लाइन लूंगा अपने पास, एक पॉइंट यहाँ पे दूंगा और एक पॉइंट यहाँ पे दूंगा, मैं ऑफसेट दे देता हूँ यहाँ पे 3 इंच का, उठाकर ऊपर से नीचे की जानब फेंक देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स इस तरह से आपकी विंडो बनेगी। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये है, अक्सर मुझसे स्टूडेंट्स कहते हैं हम इसी लाइन को ऊपर से नीचे ऑफसेट क्यों नहीं लेते,
तो लें इसको ऑफसेट, शायद आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा, थ्री और थ्री का, लेकिन इसमें क्या होता है आपके पास ये पूरी लाइन नीचे की तरफ आ जाती है, फिर आपको दोबारा से ट्रिम करना है। देखें अब ये ज्यादा एक्स्ट्रा काम है या आपके पास ये बेहतर काम है, एक पॉइंट दे दें और ये दूसरा ऑफसेट दे दें, और आपके पास नाइन की विंडो है, यानी कि नाइन की वॉल है, इसके अंदर आप विंडो का मार्क शो कर रहे हो, तो मैं नाइन को डिवाइडेड बाय थ्री कर देता हूं, तो थ्री थ्री इंचज आ जाता है मेरे पास। देखिए तो ये सबसे इजी तरीका है विंडो बनाने का, मैंने यहां पर विंडो बना डाली है। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरफ भी विंडो बनाओगे इधर भी आ जाए, क्योंकि यहां पे मैं आपको ये पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ, ये सेंटर पॉइंट वाला। अब देखिए ये लाइन नीचे तक है, इसका सेंटर तो इधर आ रहा है, लेकिन मेरे पास ये रूम है, मुझको इस रूम के लिए विंडो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा इसके मिडल पे आ जाऊंगा, यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ, ऊपर से नीचे आ जाऊंगा ऑफसेट्स, और मैं यहाँ पर 8 फिट्स की विंडो ड्रॉ कर देता हूँ। जब आप 8 फिट्स की विंडो ड्रॉ करने जा रहे हो, यानी कि 4 ऊपर 4 नीचे, सेलेक्ट डिलीट, एक लाइन लेंगे, इसको भी आप ऑफसेट दे दोगे 3 3 का, 1 2, तो मैंने इसको 2 टाइम, यानी कि मैंने इसको ये भी ऑफसेट दे दिया, तो मेरे पास क्या हुआ, विंडो मेरे पास बन चुकी है। देन स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं अब ये डोर बनाने जा रहा हूँ अगेन, तो यहाँ पर आ जाएंगे आप दोबारा से, एक लाइन इधर लें दूसरी इधर ले लें, इसको ऑफसेट दे दें कितना, जैसे मैंने आपको पिछले स्टेप्स में बताया था 9 इंच का मैंने ऑफसेट ले लिया है, वापस मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं एक ऑफसेट लूंगा कितना, 3 फिट और 6 इंच का, 3 फिट एंड 6 इंच, मैं इसको यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ TR। देखिए मेरे पास ये ट्रिम हो चुका है, सेम मुझको ऊपर भी कट चाहिए, तो मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ यहाँ से ही, EX एंटर करने से आपके पास एक्सटेंड हो जाएगा, तो अगेन ट्रिम की ऑप्शन लगा देंगे, पहले इसको ट्रिम कर दें और एक्सटेंड कर दें नीचे वाली लाइन को भी, देन इसको भी आप ट्रिम कर दें। देखें आपके पास बिल्कुल आमने सामने डोर बने आ चुके हैं, क्लियर। अब इसके बाद मैंने ये वाला बनाना है डोर, यानी कि वॉशरूम वगैरह का, तो अब मैं क्या करूंगा, एक लाइन ऊपर से नीचे ले लेता हूँ, यहाँ से एक इधर से ऊपर ले लेता हूँ, ऑफसेट दूंगा 2 फिट एंड 6 इंच का, मैंने आपको बोला था बाय डिफॉल्ट इनका साइज होता है, तो मैं दोनों के साथ अटैच करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने दोनों तरफ को ये ड्रॉ करके इनको दे दिया। देखिए तो मैंने इनको दोनों तरफ ही ड्रॉ करके दे दिया, यानी कि मेरे पास इधर भी डोर है, मेरे पास इधर भी डोर है, और मेरे पास मिड में ये वॉल आ चुकी है। इसी तरह से मुझे इसका वेल्टिनेशन चाहिए, रोशनदान चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, लाजमी नहीं है कि आपको हर मरतबा सेंटर में ये चीज बनानी पड़े, क्योंकि सेंटर तो आप जान चुके हैं कैसे बनाया जाता है। अगर आप इसको एंड से बनाना चाहते हैं, तो यहां पर एक लाइन ले लें, ऑफसेट दे दें 1 या 2, जो आपको चाहिए, मैंने इसको 2 फिट्स दे दिया, और एक लाइन लेंगे यहाँ पे, ऑफसेट देंगे इसको 3 3 का, 3 और 3, इंटर सेव कर दें, ठीक है। तो आपने इसको जैसे रोशनदान बना डाला इसका, इस तरह से आप चाहते हैं नहीं आपको सेंटर से चाहिए था, तो अगेन आप इसको मूव कर सकते हैं, इसको इधर से मिडिल से उठाएं, इधर मिडिल पे लें, तो आप अपनी मर्जी से इसको बना सकते हैं। अगेन इधर आ जाते हैं, फिर मेरे पास ऊपर की जाना विंडो बनी हुई आ रही है इस रूम के अंदर, तो मैं अगेन इसके मिडिल पे आ जाऊंगा। अब यहां पर भी वही चीज है, लाजमी नहीं होता कि आप विंडो को मिडिल में ही बनाओ, लेकिन मिडिल में बनाएंगे तो ये मेथड होगा। अब ये आपके पॉइंट तक है, चलें यहां पे मैं आपको कॉर्नर विंडो बनाना बताता हूँ। मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आप कॉर्नर विंडो बनाना चाह रहे हो तो वो आप कैसे बनाएंगे। एक लाइन ऊपर की जानब लगाओ, एक लाइन इस तरफ लगाएं, ऑफसेट दे दें, और मुझको 6 फिट्स की विंडो चाहिए, 6 3 इधर 3 इधर। अब आप लाइन ले लें यहां से इधर, और एक लाइन इधर, ऑफसेट दे दें से 3 3 का, 1 2 1 2, कंट्रोल एस कर दें और फिलेट पे आ जाएं। अब फिलेट क्या कर देगा, एक पॉइंट दे, दूसरा पॉइंट दे, एक पॉइंट दे, ये दूसरा पॉइंट। अब क्या होगा, आपके पास एक कॉर्नर विंडो बनी आ चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये चाह रहा हूँ एक लेसन के अंदर जितने ज्यादा पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करवा सकूँ, वापस इधर आ जाए यहाँ पे, अब मैं मिडिल पे लेना चाहूंगा, यहाँ पे वही मैं 8 फिट्स की विंडो लेना चाह रहा हूँ, 4 4, ये ले लिया, एक पॉइंट इधर है, दूसरा पॉइंट इधर है, ऑफसेट दे देता हूँ मैं इसको 3 3 का, तो मेरे पास ये विंडो बनकर आ चुकी है। अगेन मुझे इधर डोर चाहिए, एक पॉइंट ऊपर से नीचे ले लें, ऑफसेट दे दें इसे भी 9 इंचेस का ही ऑफसेट आप इसे दे दें यहाँ पे, और फिर आप इसे ऑफसेट देंगे यहाँ पे, मैं इसे लेता हूँ 3 फुट और 6 इंच का ऑफसेट दे देता हूँ, मैं इसे ट्रिम कर दूंगा, तो देखें डियर स्टूडेंट्स मेरे पास ये बना आ चुका है। अगेन इधर आ जाए, मेरे पास वॉशरूम आ जाता है, मैंने इसको ऑफसेट दे दिया है 2 फिट एंड 6 इंच का,
तो ये अब मेरे पास ये देखिए ड्रेसिंग रूम एरिया भी आ चुका है। यहाँ मेरे पास ड्रेसिंग रूम एरिया होगा, मेरे पास इधर कबर्ड है और इधर वॉशरूम है। अब वापस में इधर आ जाता हूँ डियर स्टूडेंट्स, एक पॉइंट इधर एक इधर। ऑफसेट लूंगा यहाँ पे मैं 1 फिट्स का ही, क्योंकि मुझको 2 फिट्स का अल्टरनेशन चाहिए। और एक लाइन इधर से इधर, इसको मैं ऑफसेट दे देता हूँ यहाँ से 3 इंच का ही ऊपर की जानब। कंट्रोल एस किया, मेरे पास ये बना हुआ आ जाता है। अब मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। क्यों मैंने कॉपी किया, मीटर से पकड़े, क्योंकि मुझे इधर भी चाहिए था और मुझे ये शेप यहाँ पर भी चाहिए थी। तो मैंने देखें एक ही शेप को बार बार यूज कर लिया। अगेन यहाँ पर मैं एक और ये मेथड यानी कि ये डोर बनाना चाह रहा हूँ, तो आप इधर आ जाए। इसमें देखें आपके पास ये भी है, तो आप इधर आ जाए, ऑफसेट ले लें 9 इंच का, मैंने ये ले लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में मेरा जो आपको बताने का मेन मकसद है वो मैंने आपको काम करके दे रहा हूँ मैप्स के ऊपर आपके सामने। अब इसी तरह से आपको तमाम मैप्स के ऊपर काम करना होता है। वापस मैंने ऊपर से नीचे लाइन ले ली है। यहाँ पर ये चीज़ आप नहीं देखिएगा क्या चीज़ रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं है। जस्ट अभी आप ये देखें हम एक मैप के ऊपर कैसे काम कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर 70-70 फिट्स की लाइनें भी ली थी, जहाँ तक मेरे रूम बने वहाँ तक मैंने लाइनें ट्रिम की। मेरे पास देखिए आहिस्ता आहिस्ता शेप्स बनती हुई आ रही है। अगेन इधर आ जाते हैं स्टूडेंट्स, मैंने ये विंडो बनानी है। अब मेरे पास यहाँ पर विंडो बनी हुई है, मैं चाहूँ तो इसे इधर से कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से, और मैं इसको इधर लेकर जा भी सकता हूँ यहाँ से, यानी कि आप ऐसे भी जा सकते हैं। लेकिन जब आप शुरू में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश करें आप खुद विंडो बनाएं। तो यहाँ पर मैं 6 फिट्स की विंडो बना रहा हूँ। तो जब आप हर चीज़ आप खुद बनाओगे, तो यानी कॉपी आप बहुत कम यूज़ करो। जब आप खुद बनाएंगे तो आपको बनाने का सही मेथड आ जाएगा। अब मैं इधर आ जाता हूँ, यहाँ पे मुझे डोर चाहिए, मैंने ऑफसेट ले लिया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इस ऑफसेट लेना चाहूँगा कितना, 9 इंच का, उठाकर ऊपर की जाना। ऑफसेट में से दे रहा हूँ यहाँ पे कितना, 3 फुट और 6 इंच का, मैंने इसको ट्रिम किया। डियर स्टूडेंट्स देखिए मेरे पास ये ट्रिम होकर आ चुका है। इसी तरह से मेरे पास लास्ट ऑब्जेक्ट आ गया, मेरा मेरा किचन आ जाता है यहाँ पे। अब इसका ही मेरे पास इधर से डोर निकल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रिंट आपके पास आपके हाथ में होना चाहिए इस चीज़ का, क्योंकि कुछ चीज़ें जो आपको ज़रूरी करनी है वो आप खुद करें, जैसे प्रिंट। अब मैं तो आपको प्रिंट नहीं दे सकता हूँ, आपको प्रिंट खुद निकालना होगा। इस तरह से ऊपर से एक और लाइन लगा लें, इसे ऑफसेट देता हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं इधर किचन की विंडो बनाना चाहूँगा, मैं 4 फिट्स की विंडो बनाना चाह रहा हूँ, तो 2 2 फिट्स में देता हूँ, 2 लेफ्ट और 2 राइट। मैंने एक लाइन ली, दूसरी लाइन ली, ऑफसेट दे दिया है 3 इंचेस 3 इंचेस का, कंट्रोल एस कर दें। तो मेरे पास अब मेरे पास मेरा मेन डोर आ जाएगा, मेन एंट्रेंस है मेरी। तो मिडिल पे आ जाता हूँ मैं, यहाँ से निकालना चाहूँगा। सबसे पहले मैं इसके डोर निकाल लेता हूँ। अब डोर में इधर निकालूंगा, क्योंकि हर बंदा इस दरवाजे से आएगा जाएगा, इसके अलावा जितना ही मुझे सामान घर का अंदर लेकर जाना है, बाहर लेकर आना है, मेन मेरा यही रास्ता होगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको डोर ले लेता हूँ, और मैं इसका साइज यहाँ पर रख लेता हूँ 4 फिट्स, यानी कि 2 दाएं 2 बाएं 2 लेफ्ट 2 राइट और ट्रिम। मेरे पास अब देखें ये मेरे पास डोर बना हुआ आ चुका है। अगेन मैं इधर मिडिल पे आ गया। अब यहाँ पर मैं विंडो लेना चाहूँगा, मैं 6 फिट्स की विंडो लेना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं इधर एक ऑफसेट दूंगा, मीन्स 3 लेफ्ट 3 राइट। एक लाइन ले ली मैंने, मैं इसको ऑफसेट दे देता हूँ 3 इंच का ही, कंट्रोल एस। मैं इसे कॉपी करूंगा, लेकिन आप कॉपी ना करें, आप खुद बनाएं। ये मैंने इसको कॉपी की, देखिए मेरे पास ये विंडो बनी आ चुकी है यहाँ पे भी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। ये हमने अपना प्रोजेक्ट नंबर 1 देखा, और उसको देखने के बाद हमने सेम टू सेम यहाँ पर उसको ड्रॉ करने की कोशिश की है। डियर स्टूडेंट्स, अब डियर स्टूडेंट्स ज़रूरत इस बात की है, आपको भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। अब आप आखिर में क्या करें, इसकी वैल्यू चेक करके देख लें क्या आया, ये वैल्यू मेरी और ये वैल्यू मेरी इक्वल है या नहीं है। यहाँ से एक क्लिक इधर कर लें और दूसरा क्लिक इधर कर लें आप, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारी ये वैल्यू क्या है, 5959, बिल्कुल ठीक है, 50 9। और फिर मेरे पास ऊपर से नीचे जो वैल्यू बन रही है वो भी देख लेते हैं, वो मेरे पास क्या है, 55 फिट
और 9 इंच है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देख लेता हूँ डिस्टेंस। आपके पास ये लाइन रही, डायमेंशन उठा लें और इसको ऊपर से नीचे ड्रॉ करके देख लें, तो आपके पास ये नीचे 9 इंच का फर्क आ रहा है। अगर मैं इसको ढूंढूंगा तो मिल जाएगा। बहरहाल डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक परफेक्ट तरीका था काम करने का। तो इस तरह से मैप्स के ऊपर काम किया जाता है डियर स्टूडेंट्स। अब जरूरत सिर्फ इस बात की है, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आपके पास मैप्स कलेक्शन का होना जरूरी है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर आपको मैप्स चाहिए तो जस्ट आप हमें कॉल करेंगे 03-43-901-7779 पर, क्योंकि मैंने आपके लिए एक सीडी रेडी की हुई है जिसके अंदर मोर देन 200 मैप्स कलेक्शन मौजूद हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मजीद मालूमात और अपडेट के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जो बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दिया जाता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस कोर्स की मुकम्मल DVD हासिल करना चाह रहे हैं तो आप हमें उसके लिए कॉल कर सकते हैं। उसके लिए हमारा नंबर आपकी बिल्कुल स्क्रीन के सामने मौजूद है, या हमें ईमेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर मिलूंगा, उसमें मैं आपको एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके दिखाई दूंगा। उस वक्त तक के लिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे इजाजत चाह रहा हूँ। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा।